डियर फ्रेंड, आरआरबी जेई जनरल साइंस का, ये बायोलॉजी का जो लाइफ साइंस का, ये 12th नंबर का वीडियो हम देख रहे हैं। और इस वीडियो में हम बायोलॉजी के ये 12th नंबर के वीडियो को देखने वाले हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। हु डिस्कवर सेल इन 1665? ठीक है, सेल को डिस्कवर किया था 1665 में। तो जो ऑप्शन दिया हुआ है वो ऑप्शन क्या है? रॉबर्ट होक, रॉबर्ट क्रूक, डेविड थॉम्सन, मैरी फ्रेंकोइस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, रॉबर्ट होक। रॉबर्ट होक ने सेल का डिस्कवर किया था 1665 में। देखिए इसको क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकता है कि रॉबर्ट होक ने डिस्कवर किया था 1665 में क्या, तो सेल। और भी घुमा के पूछ सकता है कि रॉबर्ट होक ने सेल का डिस्कवर कौन से ईयर में किया था, तो 1665 में। इस तरीके से 3 क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं, तो देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेम द ऑर्गेनेल विच सर्व एज ए प्राइमरी पैकेजिंग एरिया फॉर मॉलिक्यूल्स डेट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सेल। तो ऑप्शन क्या दिया है? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गॉल्गी अपरेटस, वैक्यूअल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, गॉल्गी अपरेटस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेम द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ सेल। सेल का जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है उसको क्या बोला जाता है? तो ऑप्शन दिया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नन ऑफ द एबो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल का आउटर मोस्ट बाउंड्री जो है उसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। नेम द प्रोसेस इन विच डाइजेशन ऑफ मटेरियल बाय द सेल इज डन थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेम द प्रोसेस इन विच द इंजेशन ऑफ मटेरियल बाय द सेल इज डन थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ऑप्शन दिया इंजेशन, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड एंडोसाइटोसिस। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका करेक्ट ऑप्शन है डी, एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटिसिस। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट करेक्ट अबाउट द ऑर्गेनेल्स। मतलब एक उसके लिए करेक्ट नहीं है, बाकी सब उसके लिए करेक्ट है। किसके लिए? ऑर्गेनेल्स के लिए, ऑर्गेनेल्स के लिए। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर के 5 के ऑप्शन क्या है। दे आर फाउंड इन ऑल यूकेरियोटिक सेल, दे आर फाउंड इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, दे कोऑर्डिनेट टू प्रोड्यूस द सेल, दे आर स्मॉल साइज एंड मोस्टली इंटरनल। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, दे आर फाउंड इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये जो ऑप्शन है वो ऑर्गेनेल्स के लिए करेक्ट नहीं है, मतलब बाकी सारे जो ऑप्शन हैं वो ऑर्गेनेल्स के लिए करेक्ट है। ठीक है, करेक्ट सेंटेंस है क्वेश्चन नंबर 5 के बी को छोड़ के, ऑर्गेनेल्स के लिए सभी करेक्ट हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। नेम द प्रोसेस इन विच द पैसेज ऑफ वाटर गोज फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो उसको क्या बोला जाता है? डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, बोथ एन वी एंड नाइदर ए और नॉर बी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 6 का वो है बी, ऑस्मोसिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। नेम एन ऑर्गेनिज्म विच कंटेन सिंगल क्रोमोसोम्स एंड सेल डिवीजन अकर्स थ्रू फीजन और बडिंग। फीजन और बडिंग, तो इसके जो ऑप्शन दिए हैं यूकेरियोट्स, प्रोक्योरियोट्स, बैक्टीरिया, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन है बी, प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। नेम द प्रोसेस इन विच द मेम्ब्रेन ऑफ वेसल्स कैन फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एक्सट्रूड इट्स कंटेंट टू द सराउंडिंग मीडियम। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन है एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, ऑस्मिस, डिफ्यूजन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन है ए, एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इन साइड द सेल इज नोन एज, द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इन साइड द सेल इज नोन एज। तो उसको क्या बोला जाता है? ठीक है, साइटोप्लाज्म,
एक्टोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म नॉन ऑफ द ए वो, तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन है ई साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म इन द राइट आंसर। ब्लू ग्रीन अल्गी, जो ब्लू ग्रीन अर्गी है उसको क्या बोला जाता है, वो क्या है, प्रोक्रियोट्स है, यूकेरियोट्स है, बोथ एंड बी है, या नाइदर ए नॉर बी है, तो करेक्ट ऑप्शन है ए प्रोकरयूट्स, प्रोकरयूट्स इज द राइट आंसर। ब्लू ग्रीन एल्गी को प्रोकरयूट्स बोला जाता है। तो इस तरीके से आप रेगुलर बेसिस पे देखते रहिए ताकि आपका जो बेसिक फंडा है वो आपका जनरल साइंस का बायोलॉजी से रिलेटेड है वो काफ़ी क्वेश्चंस आप तक मिल सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।